बांदा जनपद में जहां एक ओर बिजली विभाग की घोर लापरवाही से आम जनता त्रस्त होकर रोड पर उतर कर आंदोलन करने को बाध्य है, वहीं बिजली विभाग के कर्मचारियों ने भी अपने ही अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जनपद के तमाम पावर स्टेशनों पर तैनात कर्मचारियों ने एसडीओ अतर्रा से परेशान होकर चीफ कार्यालय में अधिकारियों से गुहार लगाई है। आपको बता दें कि पूरा मामला बिजली विभाग के संविदा कर्मियों का है, जहाँ अतर्रा पावर स्टेशन पर तैनात एसडीओ विमलेश कुमार द्वारा गलत तरीके से अवैध वसूली कराई जा रही है और मना करने पर दूर दराज क्षेत्रों में ट्रांसफर किया जा रहा है, जबकि शासनादेश है कि TG2 व उसके नीचे के कर्मचारी एक स्थान पर 3 वर्ष पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन यहां संविदा कर्मियों का शोषण करते हुए मनमाने तरीके से 2 महीने में 3 बार ट्रांसफर कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम नरेंद्र यादव है, मैं संविदा कर्मचारी 33/11 सर्विस स्टेशन बना हूँ। सर, आज यहाँ बिजली विभाग के चीफ से मिलने आए हैं, क्या है पूरा मामला? सर, मामला ये है सर, मैं 15/2/2024 तारीख को जो है बिजली संविदा कर्मचारी नियुक्त किया गया हूँ सर एसडीओ महोदय द्वारा, मेरा 7वें महीने में 30/7/2024 को ट्रांसफर कर दिया जाता है। सर, मेरे घर से जहाँ मेरा ट्रांसफर होता है वो 80 किलोमीटर टर्न। सर, मैं SSO सहायक हूँ जिसमें मुझे 33 KV लाइन पर रखा जा रहा है। मुझे बार बार प्रताड़ित किया सर, मेरी मिसेज जो है प्रेग्नेंट है, इसी उसी महीने में उसको बच्चा होना। सर, मेरे घर में मेरे माँ बाप जो है वृद्धा है, वो कुछ कर नहीं पाते सर, तो बताइए सर, मेरे लिए तो बहुत घातक समस्या। कौन है SDO? SDO सर विमलेश कुमार पटेल। कुछ है, उनसे आपने बात की? सर, उनसे बात किया, उनके बाद बात करने के बाद उन्होंने धमका कर तो वहाँ से भगा दिए, बोले ऊपर से आदेश है। सर, आदेश उन लोगों का है जो 1 साल से 3 साल से अधिक संविदा कर्मचारी एक पावर हाउस में नहीं रह सकता, 5 साल से अधिक TG2 नहीं रह सकता। सर, मैं तो 7 महीने का कर्मचारी हूँ। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।